हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो मार्केटिंग मॉडल्स के बारे में कई बार जो है क्वेरी आ रही थी, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो है इसके बारे में वीडियो नहीं प्रोवाइड करवा पा रही थी। तो आज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मार्केटिंग मॉडल के बारे में जानेंगे कि मार्केटिंग मॉडल होता क्या है, और जो जो इंपॉर्टेंट मॉडल हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे मॉडल हैं तो हर एक को डीपली स्टडी नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं उनको अच्छे से स्टडी करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्केटिंग के मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो मार्केटिंग मॉडल क्या होते हैं? एनालाइजिंग टूल बिजनेस यूज टू डिटरमाइन देयर अर्निंग पोटेंशियल बाय रिव्यू देयर ओवरऑल स्ट्रेटजी, यानी कि हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको रिव्यू करना, और जो स्ट्रेटजी हम लगा रहे हैं, जो स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हमें यूज़ करनी चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस, यानी कि हर एक मॉडल के अलग अलग अपनी इम्पोर्टेंस है, अलग अलग अपनी बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट की किस मॉडल को कब यूज़ करना है, एक टूल्स की उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मॉडल बोलते हैं। तो जानते हैं मार्केटिंग मॉडल के बारे में कि कौन कौन से मार्केटिंग मॉडल यूज किए जाते हैं। सो फर्स्ट जो है पेस्टल एनालिसिस, जिसको कहा जाता है पेस्टल, मतलब पी का मतलब है पॉलिटिकल, ई इकोनॉमिक्स, सोशल कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। तो इसके अंदर क्या स्टडी किया जाता है, जो हमारे मार्केटिंग को इफ़ेक्ट करते हैं उन चीज़ को, उन एलिमेंट्स को स्टडी किया जाता है, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंटल। ये सभी जो हैं फैक्टर्स हमारे मार्केटिंग के जो इन्वायरमेंट है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो पेस्टल, इसका कई बार क्या पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, वैसे आप इसको बता सकते हो। इसके फैक्टर्स जो हैं, ये सभी जो फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं किसको, हमारे बिजनेस की सक्सेस को और ग्रोथ को। क्योंकि अगर ये सभी फैक्टर हमारे पॉजिटिव हैं तो हमारी जो भी क्या होगी, हमारे बिजनेस ग्रोथ करेगा, लेकिन ये सभी हमारे नेगेटिव वे में जा रहे हैं। तो इसमें से एक का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो जैसे कि हमने यूज़ की है टेक्निकल ही देख लेते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, लेकिन हम अभी भी उसी पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि नोकिया के फ़ोन, उन्होंने क्या है उस फ़ोन में देखो बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, अच्छे से ख़राब भी नहीं होते थे जल्दी से, ठीक है, लेकिन फिर भी मार्केट से बिल्कुल आउट कर दिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने अंदर चेंज नहीं किया। तो इसी तरह इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, ये सभी फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के, मार्केटिंग के इन्वायरमेंट को। उसके बाद है अनसॉफ्ट मैट्रिक्स एनालिसिस, एग्जिस्टिंग मार्केट वर्सेस न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वर्सेस न्यू प्रोडक्ट, ये चार तरह से इनको स्टडी किया जाता है। तो किसके अंदर क्या आता है एक बार जान लेते हैं। सो इस डायग्राम की हेल्प से आप अच्छे से कर पाओगे। एग्जिस्टिंग मार्केटिंग, मार्केट्स को हमने किस पे लिया है, वाई एक्सिस पे लिया है, ठीक है, मार्केट को हमने वाई एक्सिस पे लिया है, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया हमने, प्रोडक्ट हमारा, ये हमारा कौन सा होगा एग्जिस्ट, और यहाँ पे हम क्या लेंगे न्यू। तो दोनों चीज़ें एग्जिस्टिंग हैं, यानी कि प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट भी हमारा पुराना है और मार्केट भी हमारी पुरानी है, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट पेनेट्रेशन स्ट्रेटजी, और ये नाम पूछ लिया जाता है, इसीलिए हम बता रहे हैं, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट हमारी, फ़ोन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है जी, सॉरी उसके लिए। सो
दोनों चीज़ें एग्जिस्टिंग हैं तो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी कहेंगे, दोनों चीज़ें न्यू हैं तो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी होगी, यानी कि हमारा प्रोडक्ट भी नया लॉन्च हुआ है और हमारी मार्केट भी नई है, नई मार्केट में हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। तो वो हमारी कौन सी स्ट्रेटजी है? डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन मार्केट नई है और पुराना प्रोडक्ट है, यानी कि किसी नई मार्केट में हम अपने पुराने प्रोडक्ट को ही लॉन्च कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मार्केट को डेवलप कर रहे हैं। और जब हम कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं और पुरानी मार्केट में ही नया प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ये ऑन्स ऑफ स्ट्रेटजी जो है, इसके अंदर हम चार स्ट्रेटजी को स्टडी करते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन, जब दोनों चीजें पुरानी होती है, मार्केट भी और प्रोडक्ट भी। जब दोनों चीजें नई होती हैं, डाइवर्सिफिकेशन, जब प्रोडक्ट नया होता है लेकिन मार्केट पुरानी होती है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और जब हमारी मार्केट नई होती है और प्रोडक्ट पुराना होता है तो हम कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो ये थी हमारी आंस ऑफ मार्केट स्ट्रेटजी, अच्छे से इसको याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद पोर्टर फाइव फोर्स मॉडल, पोर्टर फाइव फोर्स फ्रेमवर्क, इसमें फाइव जो फोर्स है उनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि नाम कौन से हैं। तो एंट्रेंट थ्री एट्स होता है, सब्सिट्यूट्स थ्री एट, बायर्स पावर, सप्लायर पावर एंड कम्पिटेटिव रिवेलरी। ठीक है, इसके अंदर हम फाइव फोर्सेस को स्टडी करते हैं कि जो एक्सटर्नल थ्रेट है, डर है, उसके साथ साथ इस डर का क्या सब्सिट्यूट्स है, बायर्स की पावर कितनी है, सप्लायर्स की कितनी पावर है और कम्पिटेटिव हमारे कितने हैं, किस वे में बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। फाइव फोर्स हैं, हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं, रिवेलवरी अमंग एग्जिस्टिंग कम्पिटेटर, थ्रिएट ऑफ न्यू एंट्रेंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, थ्रिएट ऑफ सब्सिट्यूट्स प्रोडक्ट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई। ये सभी फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं कि हमारे जो बायर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है या फिर सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, या फिर जो हमारा प्रोडक्ट है उसका सब्सिट्यूट्स मार्केट में आ सकता है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। ठीक है, थ्रिएट ऑफ न्यू एंट्रेंट की इस बिजनेस में बहुत सारी, अगर कोई भी बिजनेस है उसमें बहुत सारी एंट्री लगातार हो रही हैं तो क्या हो जाता है, कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, इन फाइव फोर्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं पोर्टर फाइव फोर्स मॉडल। ठीक है, इस चीज़ को भी आप जरूर, इसके जो नाम है उनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में इनके अलावा कोई और दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल स्वॉट एनालिसिस, जिससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्री एट। इसमें क्या किया जाता है, आपको इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में पूछा जाता है कि स्वॉट एनालिसिस में कौन से इंटरनल फैक्टर हैं और कौन से आपके एक्सटर्नल फैक्टर हैं। तो जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ आपकी, और वीकनेस जो है वो आपके इंटरनल फैक्टर हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी क्योंकि इन्वायरमेंट से मिलेगी और थ्रिएट भी आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, तो ये दोनों आपके किसके फैक्टर हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं। अपॉर्चुनिटी हमारे लिए पॉजिटिव होती है, थ्रिएट्स हमारे लिए नेगेटिव होता है, उसी तरह स्ट्रेंथ हमारी पॉजिटिव होती है और वीकनेस हमारी नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव पॉइंट जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। तो ज़्यादा डीपली नहीं जानेंगे, सिर्फ जो जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वही करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, पीआर स्मिथ सोस्टेक। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार कर लेते हैं, प्लानिंग सिस्टम, सिचुएशन एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स, एक्शन एंड कंट्रोल। यानी कि जो हमारा सोस्टेक नाम जो रखा गया है, इसकी ही ये सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स, एक्शन एंड सी कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। सो सिचुएशन एनालिसिस इसका फर्स्ट हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम फिर क्या बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, एक प्रोसेस में वर्क करते हैं। सबसे पहले सिचुएशन एनालिसिस करेंगे, फिर हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, उनके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, टैक्टिक्स प्लान करेंगे, फिर उसके जो हमारा फुल काम हो जाएगा फिर उसको एक्शन वे में लेके आएंगे, और फिर जहां पर भी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी कंट्रोल करेंगे, और इसी तरह से ये जो प्रोसेस है वो लगातार कंटिन्यूस चलता रहेगा।
इसी को हम क्या बोलते हैं, सोस्टैक। पी आर स्मिथ का सोस्टैक मॉडल। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट मॉडल को स्टडी। इसके बाद है आपका एम सी किने 7S फ्रेमवर्क। इसमें 7S को स्टडी किया जाता है, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, स्किल, स्टाफ, स्टाइल, सिस्टम एंड शेयर्ड वैल्यूज। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है आपका, इसके अंदर जो आपके हार्ड एस, ये थ्री जो है ये आपके हार्ड एस है, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी एंड सिस्टम, और जो सॉफ्ट एस हैं ये क्या है, शेयर्ड वैल्यू, स्किल, स्टाफ एंड स्टाइल, ये आपके सॉफ्ट एस के अंदर आते हैं। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन 100% अब तक तो पूछा गया था, अब की बार पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, 7 P's ऑफ मार्केटिंग। 7 P's, पहले जो है हम 4 P's को पढ़ते थे, जो किसने दिए थे, मैकार्थी ने दिए थे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, 3 P's को और ऐड कर दिया गया है, तो 7 P's को स्टडी करते हैं। अगर ये पूछा जाए 4 P's किसने दिए, तो एम मैकार्थी ने दिए थे, और इनको डेवलप किसने किया था, तो पीटर ब्लूम ने डेवलप किया था। ब्लूम ने इनको क्या किया, डेवलप किया, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो 4 P's पहले कौन से थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मार्केटिंग मिक्स में हम इन 4 चीज़ों को स्टडी करते थे। इसके बाद पैकेजिंग, पोजिशनिंग एंड पीपल, ये 3 और इसके अंदर क्या कर दिए गए, ऐड कर दिए गए। तो ये हमारी क्या है, मार्केटिंग 7 P's स्ट्रेटजी है। ये 7 P's हमारी मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट तैयार करते हैं, कि क्या हमें प्रमोशन करनी है, कहाँ प्लेस, कहाँ पर हमें जो अपना प्लेस है वो कहाँ पर करना है, प्रोसेस क्या होनी चाहिए, फिजिकल एविडेंस, प्रोडक्ट, पीपल, इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो एक बार ध्यान से देख लो भाई, ई मैकार्थी, ई जीरो मैकार्थी ने क्या की थी, 4 P's को दिया था, उसके बाद 3 P's और ऐड कर दिए गए, किसने, बूम्स एंड बीटर ने। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हो, मैकार्थी ने 3 दिए, उसके बाद बूम हो गया, और बूम होने के बाद 3 P's और इसके अंदर ऐड हो गए। 3 P's कौन से हैं, आपके पार्टिसिपेंट्स यानी कि पीपल, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस। तो देखो पार्टिसिपेंट्स भी नाम आ सकता है, हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, प्यूपल पढ़ते आ रहे हैं, तो वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स भी नाम हो सकता है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट मॉडल को स्टडी। सो नेक्स्ट मॉडल क्या है, STP फ्रेमवर्क। इसको दिया था हमारे फादर ऑफ मार्केटिंग, जिसे कहा जाता है फिलिप कोटलर ने। तो सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। सेगमेंटेशन, मेक सेंस ऑफ मार्केट, ये देखा जाता है कि कौन सा सेगमेंट, कहाँ पे हमें अपना जो है अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उस चीज़ को फिर क्या किया जाता है, उन कस्टमर्स को टारगेट करते हुए हम क्या करते हैं, फिर स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, और उनके माइंड में जो है अपने प्रोडक्ट के लिए पोजिशनिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है STP फ्रेमवर्क। सबसे पहले सेगमेंट करेंगे, फिर उस मार्केट को टारगेट करेंगे, और कस्टमर के माइंड में जो अपने प्रोडक्ट की क्या करेंगे, पोजिशन एक क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है ब्रांड पोजिशनिंग, परपेचुअल मैपिंग, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, हाई प्राइस एंड लो प्राइस, इस चीज़ को स्टडी किया जाता है। परपेचुअल मैप, कि किसकी क्वालिटी लो है, किस प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई है, और उसके साथ साथ प्राइस का भी कंपैरिजन करके देखते हैं कि हमारे क्वालिटी के बेस पे हमारा प्राइस कैसा है, लो है, हाई है, इस चीज़ को क्या करते हैं, स्टडी किया जाता है। इस तरह से हम क्या बनाते हैं, परपेचुअल मैप, पोजिशनिंग मैप बनाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर वेरी करता है, कहाँ पर लाइज करेगा, यानी कि कहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कंपैरिजन क्वालिटी कहीं हाई तो नहीं है, इस चीज़ को भी स्टडी किया जाता है। उसके बाद है AIDA मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन, एडा मॉडल जिसको कहा जाता है। अटेंशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हाट इज़ इट,
उसके बाद इंटरेस्ट, आई लाइक इट, डिजायर, आई वांट इट, एक्शन आई एम गेटिंग। एडा मॉडल क्या कहता है, सबसे पहले अटेंशन होती है, ठीक है, उसके बाद हम उसमें हमारा उसमें इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट कब आएगा, जब कुछ इंपॉर्टेंट उसके अंदर होगा जो हमें क्या करेगा, पसंद करेगा। उसके बाद जब हमें वो चीज़ पसंद आ जाती है तो हमारी क्या हो जाती है, डिजायर हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं जाती हूँ, मान लो ऑटो रिक्शा से जाती हूँ, ठीक है, फिर मेरा ध्यान जाता है कि मुझे अटेंशन रहती है कि अगर मैं बाय कार जाऊँ तो मुझे क्या रहेगा, मेरा उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। फिर उसको लेने की मेरे अंदर क्या हो जाती है, डिजायर हो जाती है कि भाई मुझे तो लेनी ही है। फिर मैं उसके लिए क्या करती हूँ, एक्शन करती हूँ, मतलब उसको लेने की कोशिश करती हूँ, आई एम गेटिंग इट। तो इसी को बोलते हैं एडा मॉडल, AIDA। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अटेंशन की जगह अगर अवेयरनेस भी आ जाता है ना तो गलत नहीं है। अटेंशन भी यूज़ किया जाता है कई बार, और कई बार इसकी जगह पे वर्ड यूज़ कर लिया जाता है अवेयरनेस। इसके बाद है हुक मॉडल। हुक मॉडल, ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल रिवार्ड एंड इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी चीज़ की हमारे अंदर डिज़ायरनेस होती है तो हमारा जो ट्रिगर है अंदर से क्या होता है, अवेयरनेस होती है कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए। फिर हम एक्शन करते हैं और उसके बदले में जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है वो रिवार्ड होता है, और फिर हम उसमें क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसी तरह से ये प्रोसेस क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, हुक मॉडल बोलते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि हुक आएगा तो ट्रिगर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आपस में इनको क्या कर सकते हो, कनेक्ट करके याद कर सकते हो, क्योंकि इनका फुल फॉर्म कई बार एग्ज़ाम में सिर्फ यही पूछ लिया जाता है। ज़्यादा इंटरनली, ज़्यादा इसके डीपली नहीं घुसा जाता, सिर्फ मॉडल्स के नाम या फिर ये दिया किसने है ये पूछ लिया जाता है। अकॉर्डिंग में जो जो इम्पोर्टेंट है भाई, जो जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। वैसे एग्ज़ाम क्या किसी ने देखा है, कुछ भी आ सकता है आपका, तो किसी भी मॉडल को हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद है रेस मॉडल, रिच, एक्ट, कन्वर्ट एंड इंगेज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लान कि हमारी गोल क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, फिर किस तरह से हम उस तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद एक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किसमें, हमारा जो इंटरेस्ट है उसको सेल्स में। और उसके बाद इंगेज करेंगे, किसको इंगेज करेंगे, कस्टमर्स को। हम क्या बोलते हैं, रेस मॉडल, जिसको डॉक्टर डेव कैफी ने दिया था। इसके बाद है AARR पायरेट मैट्रिक्स, एक्विजिशन, एक्टिवेशन, रिटेंशन, रिफरल एंड रिवेन्यू। ये आपकी AARR की फुल फॉर्म है। एक्विजिशन, हाउ टू यूजर फाइंड अस, क्यों फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डू यूज़र हैव ए ग्रेट फर्स्ट एक्सपीरियंस, एक्टिवेशन, ठीक है। रिटेंशन, कि उसी के ऊपर क्या रहे, रुके रहे। रिवेन्यू, रिफरल। डू यूजर्स टेल अदर्स, कि उन्होंने दूसरे को क्यों रेफरेंस दी, ठीक है, इस चीज़ को। तो इनकी फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रख लेना, एक्विजिशन, एक्टिवेशन, रिटेंशन, रिवेन्यू एंड रेफरल। उसके बाद है मार्केटिंग फनल मॉडल, TOFU MOFU BOFU, हाईएस्ट वॉल्यूम, लोवेस्ट वैल्यू। देखो, जैसे कीप होती है, ठीक है, जिससे हम तेल वगैरह जो डालते हैं ये कीप के सेप की होती है, इसीलिए इसको क्या बोलता है, फनल बोलते हैं। जो टॉप ऑफ फनल होते हैं उसमें वॉल्यूम तो हाईएस्ट होती है, लेकिन वैल्यू क्या होगी उसकी, लोवेस्ट होगी। जो मिडल में होगा लेस वॉल्यूम होगी और मोर वैल्यू होगी। उसके बाद जो BOFU में होगा, यानी कि बॉटम, जितने नीचे जाते जाएंगे वैल्यू क्या होती जाएगी, हमारी इंक्रीज होती जाएगी, और जितनी ऊपर जाते जाएंगे वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऊपर जाने पे बढ़ता है, क्यों, क्योंकि देखो ये कितना चौड़ा होता जा रहा है, कितना इसका जो एरिया है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जो चीज़ जितनी ज़्यादा मात्रा में होगी उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि TOFU यानी कि टॉप ऑफ फ्यूनल में क्या होता है, हाईएस्ट वॉल्यूम होती है बट लोवेस्ट वैल्यू होती है। MO मिडल में क्या होती है, लेस वॉल्यूम होगी क्योंकि इसका एरिया थोड़ा सा छोटा है इस ऊपर वाले के कंपैरिजन में, तो वैल्यू इसकी मोर होगी, किसके कंपैरिजन में, टॉप के कंपैरिजन में। और जो बॉटम है वो फनल है, इसमें वॉल्यूम कम है तो वैल्यू क्या होगी इसकी, हाईएस्ट होगी। क्यों, क्योंकि इसकी क्या है,
क्वांटिटी कम है और जिस चीज़ की क्वांटिटी कम होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट मॉडल है आपका BANT फ्रेमवर्क, बजट ऑथोरिटी नीड एंड टाइमिंग। बजट कितना है, ऑथोरिटी कितनी है, आप उसके ऊपर खर्च कर सको, आपको उसकी नीड कितनी है और आपको उस टाइमिंग कितनी है। देखो क्या होता है कि पहले आपके पास पैसे होने चाहिए, फिर उसके बाद जो आपने डिसीजन लिया है, ठीक है, आपको ये खरीदना है, उसकी नीड कितनी है। अगर आपको उस चीज़ की नीड कम है तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सटेंड कर सकते हो। और टाइम कितना है आपके पास उस चीज़ को खरीदने के लिए, मान लो मुझे आज ही चाहिए वो चीज़, तो मैं क्या करूँगी, उसकी मुझे नीड है, ठीक है, तो मैं जल्दी से खरीद लूँगी, पैसे उसकी जो कॉस्ट है उस चीज़ का कंपैरिजन नहीं करूँगी। लेकिन अगर मेरे पास टाइम है तो कोई अदर सॉल्यूशन भी मैं उसका ढूंढ सकती हूँ, ठीक है। ये मॉडल है आपका BANT, यानी कि बजट ऑथोरिटी नीड एंड टाइमिंग। के बाद है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स मॉडल, स्टार कैस्काउ डॉग्स एंड क्वेश्चन मार्क्स। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मार्केट शेयर्स और मार्केट ग्रोथ रेट को इसमें स्टडी किया जाता है। किसको स्टडी किया जाता है, मार्केट शेयर्स को। ये क्या है हमारा, मार्केट शेयर्स एंड मार्केट ग्रोथ रेट। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, मार्केट शेयर्स, वाई एक्सिस पे मार्केट ग्रोथ रेट। तो देखो दोनों चीज़ें अगर लो हैं तो किसकी सिचुएशन होगी, डॉग की सिचुएशन होगी। जब हमारी दोनों चीज़ें हाई हैं तो स्टार की सिचुएशन में होंगे। लेकिन जब हमारा मार्केट शेयर तो लो है लेकिन ग्रोथ रेट हाई है तो उसको किस सिचुएशन में कहेंगे, क्वेश्चन मार्क्स की सिचुएशन। और जब हमारी मार्केट शेयर हाई होगी लेकिन कैश ग्रोथ रेट हमारी कम होगी तो वो हमारी कौन सी सिचुएशन होती है, काओ की सिचुएशन बोलते हैं। तो इसको आप किस तरह से याद रख सकते हो कि भाई जो हमारी काओ होती है उसके उसके जो दूध है, जो मिल्क है, उसका उसकी क्या होती है। क्योंकि देखो अगर किसी के घर में कोई भैंस या गाय रखता होगा तो उसको पता होगा गाय कम दूध देती है, किसके कंपैरिजन में, भैंस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आप इस तरह से याद रख सकते हो कि उसकी ग्रोथ रेट क्या होती है, लो होती है, लेकिन उसका जो वैल्यू होती है, वैल्यू को आप यहाँ पे मार्केट शेयर से लेके चल सकते हो, वो क्या होती है, हाई होती है। इसके अलावा आप और कोई भी अपनी ट्रिक वगैरह यूज कर सकते हो इसको याद करने के, लेकिन इसको याद ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। उसके बाद है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी डिक्लाइन एंड एक्सटेंशन। अब आप कहोगे मैम आप तो सभी को इम्पोर्टेंट बता रहे, भाई क्या करें, एग्ज़ाम का पता नहीं क्या कुछ पूछा जाता है और हमेशा इनमें से क्वेश्चन बनता है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आपकी कौन सी स्टेज आती है, ग्रोथ की, सॉरी इंट्रोडक्शन की, उसके बाद आपकी ग्रोथ की स्टेज आती है, फिर आपकी मैच्योरिटी की स्टेज आती है एंड एट लास्ट आपकी डिक्लाइनिंग की स्टेज आती है। ये टाइमिंग जो है डिफर होता है, किसी की इंट्रोडक्शन स्टेज लंबी हो जाती है, किसी की मैच्योरिटी स्टेज लंबी हो जाती है, किसी की डिक्लाइनिंग स्टेज। तो ये स्टेज जो है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। जैसे फैशनेबल प्रोडक्ट है तो उनका बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, डिक्लाइनिंग हो जाता है। अगर डेली यूज़ की गुड्स हैं तो उनकी क्या है, मैच्योरिटी पीरियड हाई तक जाती है। तो वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि किसका पीरियड कितना लंबा होगा। के बाद है आपका 19 इनोवेशन अडोप्टेशन लाइफ साइकिल, इनोवेटर, अर्ली अडोप्टर, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी एंड लैगार्ड्स। ये किसको कहते हैं भाई, देखो इसकी क्या है, कई बार परसेंटेज पूछ ली जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होती है वो किन की होती है, आपकी अर्ली मेजोरिटी और लेट मेजोरिटी वालों की 34-34 होती है। लैगार्ड्स की 60% होती है, यानी कि जो प्रोडक्ट डिक्लाइन में जा रहा है तो कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो उसको परचेज करना पसंद करते हैं, उनको बोलते हैं लैगार्ड्स। जो इंट्रोडक्शन की स्टेज में जो है प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद को वो करते हैं उसको बोलते हैं इनोवेटर। तो ये कंज्यूमर्स के नाम होते हैं, जो जब हमारी ग्रोथ हो रही है उस टाइम पे अडॉप्ट करते हैं उसको बोलते हैं अर्ली अडॉप्टर, ठीक है। तो ये हमारे जो है कुछ नाम है, इनको आप याद कर लेना, कितनी परसेंटेज है इसको भी ज़रूर याद कर लेना। इसको बेल कर्व मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, एक बेल की शेप में है।
इसके बाद है एक मास्लो हायरार्की लास्ट मॉडल और इम्पोर्टेंट मॉडल है भाई, ये भी साइकोलॉजी में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो इसको भी कर लेते हैं। हमारी कितनी रिक्वायरमेंट, कितनी नीड्स बताई गई हैं, 5 नीड्स बताई गई है। फर्स्ट क्या है, साइकोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड रोटी कपड़ा और मकान। अगर हमें ये चीज़ मिल जाती है फिर हम अपनी सेफ्टी के बारे में सोचने लगते हैं कि भाई हमारी सेफ्टी कैसे होगी। सबसे पहले हमें खाना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद हम घर को देखेंगे, कपड़ों को देखेंगे, फिर हम सोचेंगे कि भाई हमारे पास तो फ्रेंड्स भी होने चाहिए, ठीक है, फ्रेंड्स होने चाहिए, फिर हमारी उनके साथ फीलिंग्स जुड़ जाती है, हम सोचते हैं भाई हमें अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है। अब हम किस लिए स्टडी करें, जॉब के लिए, ठीक है, गुजारा तो हमारा यहाँ तक तो हमारी जो नीड्स है वो कंप्लीट, क्योंकि अब जो हमारा फ्रेंड्स भी हैं हमारे, सिक्योरिटी भी है हमें, भाई खाना खुना हमें टाइम पे मिल रहा है और घर परिवार ऐसा है कि भाई चल काम चल जाएगा। लेकिन जो हमारी इस एस्टीम नीड्स है, जो हम चाहते हैं कि हमें प्राउड फील हो, ठीक है, हम जहाँ भी जाए हमारी क्या की जाए, तारीफ की जाए, हमारी प्रशंस की जाए, तारीफ की जाए, ठीक है, हमारे हमारी भी कुछ अपना नाम हो, उस चीज़ को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, तो ये हमारी कौन सी नीड होती है, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। और साइक्लो बेसिक्स नीड हमारी कौन सी हो जाएगी, सिक्योरिटी तक हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड है। और फुलफिलमेंट नीड्स है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये 5 नीड्स हैं जिसको हायरार्की मॉडल इब्राहिम मास्लो ने दिया था। इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है और साइको में भी पूछा जाता है। सो आपका जो मार्केटिंग मॉडल्स थे जिसकी बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, तो वो हो गया है कंप्लीट। ऑलमोस्ट सभी को डिस्कस करने की कोशिश की गई है और जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो भी डिस्कस किए गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।